उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में आजादी और मीडिया की भूमिका पर हिंदुस्तान के प्रसिद्ध न्यूज एंकर अभिसार शर्मा पत्रकारों के सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया और अपनी राय रखी। एक पत्रकार के सवाल पर अभिसार शर्मा ने जवाब दिया कि पत्रकारिता वही है जो विपक्ष की भूमिका निभाए। कुल मिलाकर चाटुकारिता पत्रकार से निकलकर असली पत्रकार बने और तब जाकर देश के लिए कुछ अच्छा हो पाएगा, क्योंकि देश की तरक्की में मीडिया का अहम किरदार है। उन्होंने ये भी कहा, अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज है जो पूरी दुनिया को दिखाया जाना चाहिए और आपको लगता है कि मीडिया नहीं दिखा रहा है, तो उसे सबसे पहले आप उस खबर को सोशल मीडिया पर तुरंत अपलोड करें, ताकि वो बात आपकी लोगों तक पहुंचे और जो गलत हो रहा हो उसको पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया देखे, क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलने पर ही पूरे देश में ये बात पहुंच जाएगी, तब जाकर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। एक महिला पत्रकार ने अभिसार से पूछा कि आप एंटी सरकार खबरें करते हैं, पत्रकारों को तमाम तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम करते हैं? तो उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जवाब दिया कि वो अपनी सुरक्षा की तो नहीं बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जरूर फिक्रमंद रहते हैं। मैं अपनी जिंदगी को अपनी हथेली पर लेकर चलता हूँ। मीडिया जगत के सबसे चर्चित और विख्यात अभिसार शर्मा एक ऐसे न्यूज एंकर हैं जिनकी खबर की सच्चाई पर कोई शक नहीं करता। पत्रकार को यही करना चाहिए कि वो अपने जो मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाएं। आप लोगों के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो आप लोगों से दूर होते जाएंगे। लोग आपको न्यूसेंस वैल्यू के लिए देखते तो रहेंगे, मगर आप फिर एक तरह से जैसे मैंने कहा अपनी स्पीच में कि एक तरह से आप एक ड्रामा बन के रह जाए, तो एक कोलोसियम जैसे होता था पुराने जमाने में, रोमन्स जो हैं जनता के मनोरंजन के लिए अलग अलग खेल करते थे उस स्टेडियम के अंदर, आज की तारीख में वही बन गए। आने वाले पत्रकार बने, सबसे पहली बात किसी पार्टी के समर्थक ना बने, ठीक है, समर्थक ना बने नंबर वन। नंबर दो, पत्रकारिता का बुनियादी उसूल है कि यू हैव टू बी एंटी एस्टेब्लिशमेंट। पत्रकारिता का मतलब विपक्ष है, ये इस बुनियादी उसूल को अपना। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एबीएन समाचार को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं आप रूबरू हो देश प्रदेश की हर छोटी और बड़ी खबरों से।